हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 14 हम लोगों ने स्टार्ट किया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसका क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 26 से। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर आप पॉइंट वाइज देख लीजिएगा सारा चैप्टर आपका। इसमें बहुत सारा आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये चैप्टर को डिटेल में जानना होगा, तभी जाकर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 26, बैंक बैलेंस शो इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो बैंक बैलेंस शो होता है वो कौन सा बैंक बैलेंस है? ऑप्शन ए बैलेंस एज पर पासबुक, बी बैलेंस एज पर कैशबुक, सी बैलेंस एज पर परचेज बुक, और डी है बोथ ए एंड बी। तो जो बैंक बैलेंस आपका ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखता है ना, ट्रायल बैलेंस या आपका डेबिट होता है या आपका क्रेडिट होता है, तो बोलता है कि जो बैंक बैलेंस आपका शो हो रहा है ना, वो कौन सा बैंक बैलेंस शो होता है डेबिट में आपका ट्रायल बैलेंस के, वो था आपका बैलेंस एज पर कैश बुक, है ना। कैश बुक के बैंक कॉलम में जो बैंक आपका शो हो रहा है वो बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, ठीक है ना। कैश बुक के बैंक कॉलम में जो बैंक बैलेंस आपका शो होता है ना, वही आपका ट्रायल बैलेंस में दिखाया जाता है। तो बैंक बैलेंस शो इन दी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में जो दिखाया जाता है बैंक बैलेंस वो क्या आपका बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक नहीं दिखाया जाता है आपका, ठीक है। या फिर परचेज बुक तो अलग ही हो गया आपका, ए एंड बी बोथ नहीं, दोनों का नहीं, सिर्फ कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो बैंक बैलेंस बैंक या कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये जो है आपका दोनों कैश बुक का जो है वही दिखाया जाता है आपका, ठीक ना। 26, 27, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is used to show the difference between the balances of
ए कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पहली बात तो कि पासबुक में आपका कैश कॉलम नहीं होता है ना। कैश कॉलम मतलब वो एक तरह से बैंक का स्टेटमेंट है, तो उसमें बैंक कॉलम ही होगा आपका। बी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। सी कैश कॉलम ऑफ कैश बुक कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डी नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस। बोलिए क्या होगा इसका आंसर। पहली बात तो ये है कि जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो किस चीज़ का डिफरेंस जो है वो शो करता है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है वो किस चीज़ का डिफरेंस शो करता है। डिफरेंस बिटवीन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक और पासबुक। किसका डिफरेंस हो करता है। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से हमको बीआरएस में बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में कोई मतलब ही नहीं है। वो बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कैश कितना जा रहा है वो कैश कॉलम से मतलब है। कैश कॉलम और बैंक दो होता है आपका कैश कॉलम और एक होता है आपका बैंक कॉलम। तो हमको बैंक कॉलम से मतलब है। बैंक का जो स्टेटमेंट है यानी पासबुक और जो कैश बुक में बैंक का जो कॉलम है उन दोनों का मैच करना ज़रूरी है। उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, उसी को रिकनसाइल करने के लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जो कहलाता है बैंक रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। तो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक ये नहीं होगा। कैश कॉलम तो होगा ही नहीं। फिर कहता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ठीक है, बोलता है कैश बुक का बैंक कॉलम एंड पासबुक। हाँ पासबुक ठीक कह रहा है ये। तो कहना है कि किसको रिकनसाइल करते हैं। बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू शो दी डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। ये होगा आपका। ठीक है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। फिर लिखता है कैश कॉलम। कैश कॉलम होगा नहीं। कैश कॉलम यहाँ पे होगा ही नहीं। कैश बुक ठीक लिखा है यहाँ पे, कैश कॉलम नहीं होगा। कैश कॉलम यहाँ पे नहीं होगा। एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक नहीं। बोलता है कैश कॉलम ऑफ कैश बुक और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इसी दोनों का मिलान कराने के लिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं क्या। ये तो सरासर गलत हो गया आपका। क्या कह रहा है ये कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज यूज टू शो द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक कैश कॉलम होता है ना, कैश कॉलम और बैंक कॉलम में जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसका क्या कोई लॉजिक ही नहीं है ना। दोनों में अलग अलग अमाउंट होगा, दोनों में सेम थोड़ी होगा। इसका इससे मैच करेगा, इसका इससे मैच करना चाहिए।
इसका इससे मैच नहीं होगा और ज़रूरी भी नहीं है मैच करवाना। बैंक के अंदर का बैंक में क्या ट्रांजेक्शन चल रहा है बिजनेस में, तो बैंक कॉलम और पासबुक शो करेगा। बिजनेस के अंदर जो व्यापार चल रहा है कैश में, वो कैश कॉलम शो करेगा। तो वो दोनों मैच कभी हो ही नहीं सकता है। अपना उसका अलग है बनाने का तरीका, जो बिजनेस के अंदर चल रहा है वो अलग है और बैंक का अपना अलग है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक, ऑप्शन ए। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक, नील बैलेंस इन कैश बुक, शून्य बैलेंस, नील बैलेंस, नील बैलेंस बोलिए। ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन कैश बुक बोल रहा है कि जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक में, है ना, वो आपका कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल, या फिर बोलिए ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, ये होता है आपका पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आपका फेवरेबल बैलेंस होता है। तो बोलता है कैशबुक का कौन सा बैलेंस ओवरड्राफ्ट होगा, तो जाहिर सी बात है अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो डेबिट तो छोड़ दीजिए, क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक बी नंबर करेक्ट होगा। नील बैलेंस इन कैशबुक क्या है? नील बैलेंस अगर कैशबुक में कोई बैलेंस ही नहीं है तो ये ओवरड्राफ्ट थोड़ी हो गया आपका, है ना। मान लो बोलता है कि कैशबुक में एक रुपया भी कैश नहीं है, एकदम नील बैलेंस है, जीरो बैलेंस है, तो ये ओवरड्राफ्ट तो नहीं ना हुआ। ओवरड्राफ्ट किसको बोलेंगे? बैंक में मान लीजिए कि बैंक अकाउंट है आपका, बैंक अकाउंट जिसमें आपका मान लो 10,000 रुपया है, तो आपने लिमिट कितना है 10,000, आपने निकाल लिया 15,000, यानी 10,000 प्लस 5,000, आपने निकाला कितना 15,000, तो आपने ओवरड्राफ्ट कितने का किया 5,000 का। ठीक, लेकिन आपके अकाउंट में एक रुपया भी बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, नील बैलेंस है, एकदम नील का मतलब जीरो बैलेंस है। ठीक,
ठीक, तो ये क्या ओवरड्राफ्ट है? नहीं, आपको आपने कुछ एक्स्ट्रा मतलब जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा आप निकालोगे तो वो ओवरड्राफ्ट कहलाता है। कुछ है ही नहीं बैलेंस, ठीक है, तो आप कुछ मतलब कुछ है ही नहीं बैलेंस, तो ये ओवरड्राफ्ट कैसे हो गया? आप मान लीजिए कि अब नहीं है बैलेंस में और फिर भी 5,000 रुपया ज़्यादा निकाल लेते हो। कुछ कस्टमर को ये बैंक फैसिलिटी देती है कि वो अपने लिमिट से ज़्यादा निकाल सकते हैं, तो इसमें नील बैलेंस में आपका ओवरड्राफ्ट तो होगा नहीं, इसमें तो ना आपका कोई बैलेंस नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये नहीं है, ये होगा आपका बी नंबर, ठीक है। इसके बाद 28 के बाद 29, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मींस डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस आपका फेवरेबल बैलेंस है, ये होगा। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ये होगा आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, या फिर उसको लिखिए अनफेवरेबल बैलेंस, है ना, ये क्या होगा आपका अनफेवरेबल बैलेंस होगा, ठीक है ना। कौन सा आपका डेबिट बैलेंस फेवरेबल, और कहता है कि अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक तो वो क्या होगा आपका, फिर होगा ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस। चलिए 29 हो गया, 30, कहता है ओडी बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का क्या बैलेंस है? ओडी बैलेंस है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, ठीक है, वो कितना है आपका, तो यहाँ पर लिखना होगा, अगर पासबुक का ओडी बैलेंस है यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो लिखना होगा आपका डेबिट बैलेंस एज पर, BRS में क्या लिखना होगा, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ओडी है तो मतलब माइनस में है, कितना है 2175, 2175। अब देखना होगा आपका कि चूंकि ओडी बैलेंस है तो आपको पासबुक में ही देखना है कि प्लस है कि माइनस है, जो प्लस होगा वो प्लस में जाएगा, जो माइनस होगा वो BRS के माइनस में जाएगा। चलो देखते हैं, चेक ऑफ ₹100, 175 एंड 150 वर इशूड एंड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। एक चेक जो है इशू किया गया है, कितने का, तो 100 का, एक चेक था 100 का, एक चेक था 175 का, है ना, एक चेक था आपका 150 का। चलो तीन चेक हो गया आपका, एक हो गया आपका 100 का, एक हो गया आपका 175 का, और तीनों को प्रेजेंट नहीं किया गया, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 प्लस हो गया, मतलब यहाँ इतना बैलेंस ज़्यादा होगा, माइनस होना चाहिए था, बट इतना से प्लस दिखेगा 175 और प्लस होगा 150, ठीक है, तो इतना से यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर आप तीनों को ऐड करिएगा, अब तीन चेक है तो आप ऐसे थोड़ी लिखिएगा, यहाँ पे टोटल कितना चेक इशू किया गया, तो 425, माइनस कितना हुआ टोटल 425, तो यहाँ आपका प्लस कितना रह गया,
प्लस 425, यही हुआ ना, प्लस 425, प्लस में 425 है, प्लस में जाएगा यहाँ पे 425। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, आगे देखते हैं। अ चेक ऑफ ₹600 डिपॉजिटेड इन दी बैंक बट नॉट क्लियर्ड, बोलता है कि चेक जो है आपका वो डिपॉजिट किया गया, डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो प्लस कर दिया होगा कि हम डिपॉजिट करने भेज रहे हैं, कितने का है आपका, ₹600 का, 600 का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्लियर ही नहीं किया, तो यहाँ पर बैलेंस बढ़ना चाहिए था प्लस, लेकिन बढ़ा नहीं, तो माइनस कितना हो गया यहाँ पे, मतलब उतने से बैलेंस कम हो गया ₹600, तो ये कहाँ जाएगा आपका, माइनस में ₹600, है ना, ये हो जाएगा। चलो इसका अच्छा क्वेश्चन तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिख देते हैं हम। 13 नंबर आपका ओडी बैलेंस है, ओडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये गिवन है एज पर पासबुक, ठीक है ना, और ये सारा कुछ हुआ आपका, यानी चेक इशू हुआ नहीं प्रेजेंट किया गया है और डिपॉजिट किया है बट क्लियर नहीं हुआ है, तो बोलता है कि फाइंड आउट दी बैलेंस एज पर कैश बुक, फाइंड आउट दी, बोलता है कि ओडी ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा, बोलिए। ये हो जाएगा आपका, तो क्या होगा, बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस यानी ओडी बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, यानी आप लिख सकते हैं कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा 2350, है ना, इधर टोटल ऐड करिएगा इसको माइनस करिएगा तो 2350 होगा। ऑप्शन में क्या है, 2000, बी 2150, सी 1475 और डी कहता है आपका 1925, कोई भी आपको इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है ना, क्या होना चाहिए, फिर क्या होगा, ठीक है इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है तो इसको आप ऐसे बना लीजिए, पूछता है ओडी बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, तो फिर ये कर लीजिए आप, ये टारगेट बुक को देखिए क्या है आपका, माइनस में है 425 और प्लस में है 600, प्लस में कितना है 600, तो ये बैलेंस आपका आएगा माइनस में ₹2000 आ रहा है, ठीक है, अगर इस टारगेट बुक को लेकर चलिएगा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 425 और ये 600, तो ₹2000 होगा यहाँ पर ये ऑप्शन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।